कि आटा सस्ता हुआ या महंगा हुआ। तहरीके इंसाफ के दौर में 55 रुपए जो किलो आटा बिक रहा था, आज किस रेट पे बिक रहा है? 145 से 165 रुपए किलो बिक रहा है। नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, एयर में आ रही आटा। आज से 48 घंटे पहले मुल्क में आप सारे हलके के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ गैस का प्रेशर नहीं है, चूल्हे नहीं जल रहे, गैस की कमी है। और आप सच कहते हैं, गैस नहीं मिल रही, सर्दी की शिद्दत है। और 48 घंटे पहले इस हुकूमत ने क्या तोहफा दिया है? 74% गैस के बिल बढ़ाने का फैसला किया है मजीद। और ये फैसले का इतलाक, इस फैसले का इतलाक जनवरी से नहीं, जुलाई के महीने से होगा। यानी कि जो 6 महीने गुजर गए, वो जो बिल आप अदा कर चुके, उनका भी मजीद बोझ आप पर आएगा और आने वाले दिनों में मजीद बोझ आएगा। आज IMF के साथ इनके मذاکرات फिर तातुल का शिकार हो गए हैं और वो कह रहे हैं, डार साहब आपने जो हमसे मौईदा किया है आप उसको मुकम्मल, उस पर अमल दरामद करें। अगर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुल्तान के बाशऊर शहरियों, अगर वो उस मौईदे पर अमल करते हैं जिसका एक कड़ी 74% गैस की कीमत बढ़ाने की शक्ल में आपके सामने आई है, उसकी अगली कड़ी बिजली का जो रेट है उसको मजीद बढ़ाने का इनका इरादा है। क्या पहले बिजली सस्ती है? क्या बिजली के बिल आप अफोर्ड कर सक रहे हैं? उसको मजीद बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि माली साल के 6 माह तो गुजर गए, जो बकिया 6 माह रह गए हैं उस पर 700 अरब के मजीद टैक्स लगाए जाए। 700 अरब के, 700 अरब के जो मजीद टैक्स लगते हैं, बताओ बोझ किस पे पड़ेगा? अवाम पे, अवाम पे बोझ, अवाम पे पड़ेगा। साथियों, वो कह रहे हैं कि जिन चीजों पर आप सब्सिडी दे रहे हैं, आज ओपन मार्केट में आटा महंगा है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है और वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सस्ता आटा देने की कोशिश कर रही है, पंजाब की हुकूमत करती रही। वो कह रहे हैं कि इस आटे पे जो आपने रियायत दे रखी है, जो आपने सब्सिडी दे रखी है, वो भी वापस की जाए। यानी कि आटा मजीद महंगा, खाद मिल नहीं रही, घी की क्या कैफियत है, प्याज की क्या कैफियत है, टमाटर की क्या कैफियत है। आज जो पहले कहा जाता था कि जी मटन का गोश्त बड़ा महंगा है, मुर्गी सस्ती है, आज मुर्गी के गोश्त की क्या कैफियत है भाईजान? 600 रुपया किलो आज मुर्गी का रेट है। खाद, आज खाद की कीमत यह है कि गंदम की फसल को खाद की जरूरत है, खाद दस्तयाब नहीं। खाद जिन रेट पर सरकार ने ऐलान किया हुआ है, उन रेट पर खाद दस्तयाब नहीं। ये हालत ये है कि इस वक्त जो अद्वियात की जरूरत है, नॉर्मल अद्वियात के अलावा जो जान को बचाने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, वो आज फुल शॉर्ट,
मेडिकल स्टोर्स पर दस्तियाब नहीं है। बंद करवा रहे, बंद। आज कैफियत यह है कि फैसलाबाद में, कराची में, गुजरावाला में, सियालकोट में और मुल्तान की लूम इंडस्ट्री का भी जायजा ले ले तो कम से कम 40-50% सनतें बंद हो चुकी हैं। जब सनत बंद होगी तो बेरोजगारी कम होगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इस वक्त सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिलें जो बंद हुई हैं 15-20 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है। आज पिछले 50 साल रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछले 50 साल रिकॉर्ड में अफरा-तफरी जिसको हम महंगाई कहते हैं उसने ये हद को टच नहीं किया जो आज कर रही है। आज माहिरीन माशियात कह रहे हैं ये डार साहब ने जो मुआहदा किया है अगर उस मुआहदे पर वो अमल दरामद करते हैं तो अगले माह अफरा-तफरी की शरह 35% से तजावुज कर जाएगी। साथियों, क्या ये तोहफा देने नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये जो इत्तेहाद हुआ है, जो कौम पर मुसल्लत किया गया है, क्या ये तोहफा लेकर आए हैं? क्या ये है इनका बयानिया? ये जो रोज शाम को बैठकर मुख्तलिफ टॉक शोज पर तरीके इंसाफ की पॉलिसीज पर तनकीद किया करते थे, हमने तो एहसास राशन प्रोग्राम के जरिए कोशिश की कि डायरेक्ट जो गुर्बत की लकीर के नीचे तबका रह रहा है उनको डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, रियायत दी जाए, ये उसको विड्रॉ कर रहे हैं। हमने गरीब आदमी को, गरीब पाकिस्तानी को महफूज करने के लिए, उसका खर्च बचाने के लिए, क्योंकि बीमारी का एक झटका उनको गुर्बत की लकीर के नीचे दफन कर देता था, हमने इंसाफ सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में राज कराया। बताएं क्या इंसाफ सेहत कार्ड से लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पूरे पंजाब में सर्वे करवा लें, किसी शहरी से पूछ लें, वो कहेगा इंसाफ सेहत कार्ड ने हमारे बहुत से मरीजों को पैसे नहीं दे रही सहारा दिया। ये हुकूमत जब आई है पीडीएम की तो इन्होंने सेहत कार्ड की जो रकम है उस पर कटौती लगाई और मुख्तलिफ हीले बहानों से वो इस स्कीम को इसमें रुकावट डाल रहे हैं। बताएं जिनको हमने सेहत कार्ड दिया और वो अस्पताल जाते थे, कोई तमीज थी कि ये तरीके इंसाफ वाला है, ये नून लीग वाला है, या पीपल पार्टी वाला है? जो गया उसका मुफ्त इलाज हुआ, लेकिन 10 लाख तक का उसको ये सहूलत दी गई, लेकिन इन जालिम हुक्मरानों ने सिर्फ क्योंकि तरीके इंसाफ को नेक नामी मिल रही थी तो उससे उसकी जलन में इन्होंने आम शहरियों को उस सहूलत से महरूम कर दिया। इन हालात में तहरीके इंसाफ ने फैसला किया है, ये एक बयानिया उनका था जो कौम ने देख लिया, एक बयानिया हमारा है जो हम कौम के सामने पेश करना चाहते हैं। आओ आवाम की कचहरी में जाते हैं और आवाम को फैसला करने दो कौन सही है कौन गलत है। आज बताओ इलेक्शनों से तरीके इंसाफ भाग रही है या पीडीएम की सरकार भाग रही है? इंपोर्टेड हुकूमत भाग
इंतखाबात में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। हमें कहते थे कि अगर इतना आपको आराम पर भरोसा है तो आप वफाक से रेजी अख्तियार कर लें। हमने रेजी अख्तियार कर ली। फिर कहा कि नहीं, आप अगर संजीदा है तो पंजाब की हुकूमत छोड़ दें, अगर आप संजीदा है तो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ दें। तहरीक इंसाफ वह जमात है जिसने दोनों सूबों में अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी है और अवाम की खिदमत में जाने का, अवाम की कचहरी में जाने का फैसला किया है। आज आप में हिम्मत है तो अवाम का सामना करें, लोग फैसला करेंगे। आज लोगों को फैसला करने दें, कोई इक्तदार नहीं छोड़ता। कहते थे कि इनके बंदे पूरे नहीं होंगे और हर बार इस्तेमाल किया गया कि 186 वोट हमें ना मिल सके। रुकावटें खड़ी की गई, दबाव डाले गए, मंडी लगाई गई, एमपीएस को खरीदने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 186 जो मुजाहिद है वो जनाब मैदान में उतरा और उसने साबित कर दिया कि कोई दबाव उसे कबूल नहीं। और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ खड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि ये अगर वोट ले भी लेंगे तो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। क्या हमने खुद अपनी सीटें कुर्बान की कि नहीं की? यहां डॉक्टर अक्सर खड़े हैं, एमपीए थे, अभी साल तकरीबन 8 कितने महीने पड़े आपके इंतजार के थे? 9 महीने थे। क्या इन्होंने इंतजार छोड़ा कि नहीं छोड़ा? या जावेद अख्तर अंसारी साहब खड़े हैं, अंसारी साहब ने इक्तदार छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा? यहाँ जैन कुरैशी खड़े हैं, इसने एक नहीं दो मरतबा इक्तदार को लात मारी और आराम के सामने आया। कौमी असेंबली की सीट छोड़कर यहाँ आए आवाम की कचहरी में और पीपी 217 के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बल्ले का साथ दिया, उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और यहां कामयाबी इनको नसीब हुई। मरियम भी आई, जलसे भी हुए, सब कुछ हुआ, इक्तदार भी उनका था, लेकिन अवाम ने फैसला सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वजारतें और कौमी असेंबली की सीट चला ताल्लुक हुए और आपकी खदमत में हाजिर है, इक्तदार की खातिर नहीं। आज हमारा नारा है कि इलेक्शन कराओ बचाओ, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर एक मजबूत हुकूमत मुंतखब नहीं होती तो ना यहां मईशत संभलेगी और ना यहां जो एक दफा फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है इसको काबू में लाया जा सकेगा। ये मौजूदा हुकूमत फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती, मौजूदा हुकूमत फैसले करने की उनमें अहलियत ही नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई मंसूबा नहीं है जिससे कि अवाम को कोई वो रिलीफ दे सके, अवाम का बोझ हल्का कर सके। तो हम कह रहे हैं कि आओ मैदान में आओ और लोगों को फैसला करने दो। हमने लोगों के फैसले को खुले दिल से कबूल किया। हम तैयार हैं, हमारे खिलाफ सब इकट्ठे हो गए और आपने देखा कि 13 जमातें एक तरफ और तहरीक इंसाफ तन्हा एक तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने जिमनी इलेक्शन हुए उसमें 75% सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती। इससे क्या साबित होता है कि आवाम
अपना जहन बना चुकी है। अवाम इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जी शोर तबका, पाकिस्तान का नौजवान तबका, पाकिस्तान की मस्तूरात, पाकिस्तान का मजदूर, किसान, दानिश्वर, तालिब इल्म सब फैसला कर चुके हैं कि हमने इंशाल्लाह प्रोफेशनल्स और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी भी आपके साथ हम कलाम भी हैं और कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार भी हैं। आइए फैसला करें कि हमने इस गुलामी को कबूल करना है या रद्द करना है। गुलामी गुलामी इंपोर्टेड हुकूमत, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, और इलेक्शन कराओ और लोगों को चौक शाबाद दी आवाम का शुक्रिया अदा करें। तुसा सूरत को रोड बनाए, तुसा बिहारी रोड बनाए, तुसा जनाब गल्ला गोदाम अस्पताल बनाए, अल्लाह के फजल व करम से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, जो मौका मिला वो किया और इंशाल्लाह आज कह रहा हूँ अगले इंतखाबात में तरीके इंसाफ को बढ़कर मैंडेट मिलेगा इंशाल्लाह। और इस मैंडेट में जो कुछ हमने किया, इस वक्त तो हमारी मखलूत हुकूमत थी, तीन यहां से पकड़ चार वहां से सहारा ले, हम वो फैसले नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे। आओ मिलकर इमरान खान को इतना मजबूत मैंडेट दो ताकि हम इनकलाबी इस्लाहात कर सके और वो तब्दीली जिसका ख्वाब हम देख रहे हैं वो तब्दीली लोगों को भी लाकर दिखा सके। इसलिए हम आवाम की कचहरी में जा रहे हैं और आपसे तवक्को करते हैं कि आप इमरान खान का साथ देंगे। मैं आज की इस एहतजाजी रैली में शामिल होने वाले तमाम साथियों का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने वक्त निकाला इस सर्दी की शिद्दत में वो तशरीफ लेकर आए। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने डीसीजी चौक से लेकर यहां तक इस रैली की कवरेज का एहतमाम किया और मैं तमाम तहरीक इंसाफ की खवातीन का, तंजीम का, कारकुनान का, अपने काउंसलर्स का, अपने चेयरमैनों का, अपने तमाम ताजरान का, ताजरान का, क्योंकि ताजरान भी जितने आज तंग हैं वो जाते हैं एलसी में खुल रही, बिल्कुल सही जबरदस्त, उन पर पिछले दिनों में इन्होंने नए नए टैक्स लगाए और फिर इन्होंने एहतजाज किया तो इन्होंने वक्ती तौर पर उनको वापस लिया। स्टेट बैंक पाकिस्तान कराची में जाकर इन्होंने ताजरों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, सनअतकारों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इन सब तबकों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस आजमाइश से निकाले और एक शफाफ इलेक्शन के जरिए अल्लाह ताला एक भारी मैंडेट से इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाए। तो फिर मिल के नारा लगा दे, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, और अब इंशाल्लाह राज करेगी पाकिस्तान की आवाम। शाहजी चाय पी के बनाओ, हम भी चाय।